जो व्यक्ति उसके साथ होने वाली हर घटना को ईश्वर इच्छा मानता है वह हमेशा निश्चिंत रहता है। वह व्यक्ति यह विश्वास रखता है कि भगवान जो भी कर रहे हैं उसके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, इसलिए उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं होती। हर बात को वह ईश्वर की इच्छा ही मानता है। इस बात को एक छोटी सी कहानी में बहुत अच्छी तरह बताया गया है। वैसे तो यह कहानी बहुत जगहों पर आई हुई है, परंतु पूज्य स्वामी श्री मुकुंदानंद जी ने गीता के अध्याय 5 के 20वें श्लोक पर प्रवचन देते हुए यह कहानी खास तौर पर बताई है। यह कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसके खेत में जंगली घोड़ा भागकर आ गया। गांव वालों ने उससे कहा कि देखो तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा है। उस किसान ने कहा, जैसी भगवान की इच्छा। थोड़े दिनों बाद वह घोड़ा वापस जंगल भाग गया, पर बाद में अपने साथ कई और घोड़े ले आया। तब गांव वालों ने उसकी तकदीर की बहुत तारीफ की। किसान ने उत्तर में कहा, जैसी ईश्वर की इच्छा। इस घटना के बाद एक समय किसान का पुत्र घोड़े की सवारी करते हुए गिर गया और उसका एक पैर टूट गया। सभी लोग यह देखकर बहुत दुखी हुए, लेकिन उस किसान ने कहा, जो हुआ वो भगवान की इच्छा है। एक बार उस प्रदेश के राजा का युद्ध एक दूसरे राजा से हो गया। उस युद्ध के लिए राजा के सैनिक गांव के जवानों को सेना में भर्ती कर रहे थे। जब वे सैनिक किसान के गांव आए तब उन्होंने देखा कि किसान के लड़के के एक पैर की हड्डी टूटी हुई थी। इस वजह से उन्होंने उसको सेना में शामिल नहीं किया। तब गांव वालों ने फिर से उस किसान से कहा कि देखो तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा है। फिर किसान ने कहा कि यह भी भगवान की इच्छा है। इस तरह वह किसान हमेशा हर बात को भगवान की इच्छा मानकर आनंद से अपना जीवन बिताता था। अगर हम भी यह दृढ़ विश्वास कर लें कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वह सब भगवान की इच्छा है, तो हमारा जीवन भी उस किसान की तरह आनंदमय बन जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।